भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में स्थिति भयावह है। यूपी, बिहार और असम में स्थिति सबसे अधिक नाजुक है। बिहार में जहां 12 जिलों में आई बाढ़ से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 46,83,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के 9 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के 55 प्रखंडों में बाढ़ से कुल 17 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। सीतामढ़ी जिला में करीब 11 लाख लोग प्रभावित हुए और अररिया में 5 लाख लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 13 दल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने 45,000 लोगों को शरण देने के लिए 152 राहत शिविर खोले हैं, जबकि 251 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। असम में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बारपेटा है, जहां लगभग 13 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन ने बताया 1,080 कैंपों में 2.6 लाख विस्थापितों ने शरण ली है। जिला प्रशासनों ने 689 राहत कैंप स्थापित किए हैं। बिहार में बाढ़ ने कई जिलों में कहर मचाया हुआ है। नेपाल में भारी बारिश होने पर सभी डैम का पानी छोड़े जाने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। असम और मेघालय में पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। असम में बाढ़ के कारण 54 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। मेघालय में 8 लोगों की मौत हुई है। बिहार में बाढ़ का मंजर इतना भयावह है कि पूरे प्रदेश में केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ से प्रभावित जिलों में लोगों को सब जल्द से जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही। असम के 33 में से 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के मुताबिक 53 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उधर उत्तर बिहार की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। गुवाहाटी एवं अन्य हिस्सों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से पार बह रही हैं। असम में 4,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। असम में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बारपेटा है, जहां 13 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद प्रियंका गांधी को चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने कहा, मुझे नहीं पता कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन वो जहां लेकर जा रहे हैं हम जाने को तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। सोनभद्र हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने के वक्त प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया गया। प्रियंका के इस काफिले को नारायणपुर पुलिस स्टेशन के पास रोका गया। जमीन विवाद में सोनभद्र में 10 लोगों की हत्या के बाद प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वहां जा रही थी। सोनभद्र में पीड़ित परिवारों से मिलने से रोके जाने पर नारायणपुर में धरने पर बैठी थी प्रियंका गांधी ने कहा, हम बस पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। मैंने यहां तक कहा कि मेरे साथ सिर्फ 4 लोग होंगे, फिर भी प्रशासन हमें वहां जाने नहीं दे रहा। उन्हें हमें बताना चाहिए कि हमें क्यों रोका जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही जाधव को राजनयिक प्रदान किए जाने का फैसला सुनाया, जिसके बाद अब पाकिस्तान जाधव को काउंसलर एक्सेस देगा। 2 दर्जन से भी अधिक मामलों में फंसे समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और सांसद आजम खान अब भू माफिया की लिस्ट में शामिल हो गए। रामपुर प्रशासन ने राज्य सरकार के एंटी भू माफिया पोर्टल पर आजम खान को सूचीबद्ध कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, पिछली सरकारों की मजबूत नींव के कारण भारत साल 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुखर्जी ने कहा, आजादी के बाद से भारतीयों के प्रयासों के कारण कई आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। सभी लोग सोनभद्र में नरसंहार का विरोध कर रहे हैं। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले कहा, इस प्रकरण की विस्तृत जांच हो रही है, 10 दिन में रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी उपाध्यक्ष आनंद कुमार पर आयकर विभाग की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित कार्यवाही करार दिया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वर्तमान की भाजपा सरकार पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। उन्होंने कहा, भाजपा के पास 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति आई और उसी संपत्ति से उन्होंने लोकसभा चुनाव में गरीबों के वोट खरीदे। मायावती ने कहा, अटल जी की सरकार को छोड़ दे तो पिछली 20 सरकारें और वर्तमान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मिलकर वंचितों को दबाने का कार्य कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद स्वतंत्र देव सिंह आज पहली बार लखनऊ आएंगे। शाम 4 बजे स्वतंत्र देव सिंह अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहेंगे।
सोनभद्र में हुए जमीनी विवाद में नरसंहार के मामले में एसपी ने मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम प्रधान के भतीजे के पास से 5 लाइसेंसी असलहे भी बरामद किए गए। घटनास्थल तक लोगों को लाने के लिए इस्तेमाल किए गए 6 ट्रैक्टर को भी सीज किया गया। संभल में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ। संभल आईजी अमित शर्मा ने कार्यवाही करते हुए दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। मामला बनियाठेर थाना क्षेत्र का है। सोनभद्र में 10 लोगों की हत्या के मामले में कमिश्नर एडीजी वाराणसी ने सीएम योगी को जांच रिपोर्ट दी। इस मसले पर सीएम योगी आज अफसरों से चर्चा करेंगे। बैठक के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां वो सोनभद्र नरसंहार मामले में लोगों से और घायलों से उन्होंने मुलाकात की। रायबरेली में कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह पर हमले का मामला पुलिस जांच में फर्जी निकला। फॉरेंसिक जांच के आधार पर मामले का खुलासा। आदित्य सिंह ने 25 मई को हरचंदपुर थाने में केस दर्ज कराया था। दिनेश प्रताप सिंह और उनके भाई पर हमले का आरोप लगाया था। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र छिजारसी का है। बुलंदशहर में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुए। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा आरोपी मौका देखकर फरार हुआ। मामला महावन इलाके के गौशाला तिराहे का है। ग्रेटर नोएडा में 2 सिपाहियों ने आपस में बाइक टकरा जाने के बाद युवक को जमकर पीटा। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ में ठाकुर और बंजारा समाज के लोगों में खूनी संघर्ष हुआ। ठाकुर समाज के लोगों ने बंजारों के माजरा भोजपुर में फायरिंग की, जिसमें किशोर की मौत हुई। गुस्साए लोगों ने जमकर पुलिस के खिलाफ फायरिंग की। चित्रकूट में टीचर के घर में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। चोरों ने गैस कटर से ताला काटकर लाखों का जेवर और नकदी पर हाथ साध के मामला शिवरामपुर चौकी क्षेत्र का है। बाराबंकी में मछली का शिकार करने निकले किशोर की मौत हुई। मछली का शिकार करते समय युवक को मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसके बाद पैर फुसलने से युवक खाजा नदी में गिरा और उसकी मौत हो गई। गोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव पड़ा मिला। युवक की ट्रेन से कटने के बाद मौत हुई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। घटना पीपीगंज रेलवे ट्रैक की है। लखनऊ में सिविल अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। पेट दर्द के मरीज को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मरीज की आंख की रोशनी चली गई। मरीज की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने मरीज को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। आगरा में ताजमहल घूमने गए पर्यटक को कुत्ते ने काट लिया। घायल पर्यटक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कन्नौज में गदनपुर ठठिया में बीते 1 साल के अंतराल में 20 से ज्यादा लोगों की कैंसर से मौत हुई और 3 लोग कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में भी कैंसर से पीड़ित 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जौनपुर में ठगी करने वाले सरकारी डाक बंगला गेस्ट हाउस में खुद को ह्यूमन राइट दक्षिणी जोन का अध्यक्ष बताकर थानाध्यक्ष को जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए डाक बंगले में आकर मिलने का आदेश देते। पुलिस ने मामले की जांच कर फर्जी आई कार्ड और मुहर जब्त की। कन्नौज में पुलिस ने 4 दिन पहले दारोगा और सिपाहियों पर जानलेवा हमले करने वाले मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक सिटर है और उस पर कन्नौज में कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में दारोगा ने ऑटो लेकर जा रहे बुजुर्ग की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी और उससे पैर पकड़वाकर माफी मांगी। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। मामला कृष्णनगर थाना क्षेत्र स्थित सराफा पुलिस चौकी के सामने का है। कन्नौज में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण और हज करने के तरीके बताने के लिए 148 जायरीनों का टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग की टीम ने SCMO की मौजूदगी में किया। मूसलाधार बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं संतकबीरनगर के मेहदावल क्षेत्र के पिपरी देवपुर लौकी सहित कई अन्य ग्राम पंचायतों का मुख्य मार्ग तक पहुंचने का रास्ता भी टूट गया है। लोग नाव के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंच रहे हैं। लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर शारदा नदी में पलट गई। हादसे में पिकअप सवार बाल बाल बच गए। घटना सदर के शारदा नगर की है।
प्रयागराज में रेलवे कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल बूथ पर कैंटर से अवैध शराब बरामद की गई। हरियाणा में कैंटर से 80 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। कैंटर चालक मौके से फरार। झांसी में वाहन चेकिंग के दौरान चालान काटने पर बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में ही वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और युवतियों के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस ने युवतियों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद युवतियों ने पुलिस से कान पकड़कर माफी मांगी। उन्नाव के बंगार मऊ के फतेहपुर हमजा गांव में युवती की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती का शव खेत में पड़ा मिला। वही प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की जांच में जुट गई। भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके में जमीनी विवाद में घायल हुए अधेड़ के इलाज के दौरान मौत होने के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों द्वारा भदोही ज्ञानपुर मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा किया गया। सावन में कांवर यात्रा को सकुशल निपटाने के लिए बदायूं जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट। शिवभक्त कांवरियों के आगमन को लेकर तैयार हो चुकी है। कछला गंगा घाट पर फ्लड पीएससी भी लगाई गई है। हरदोई में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मॉकड्रिल कराया गया। एडीएम एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ नहर में अभ्यास किया। 5 नदियों से घिरे 4 गांवों में रिहर्सल हुआ। मुरादाबाद में अज्ञात वाहन ने पुलिसकर्मी की कार में टक्कर मार दी, जिससे पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर शारदा नदी में पलटी। पिकअप में सवार लोग हादसे में बाल बाल बचे। उन्नाव के मिश्रा कॉलोनी में गंगा किनारे मौके पर बचाव की मॉक ड्रिल की गई। मौके पर मौजूद अपर जिलाधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ के द्वारा मॉक ड्रिल में लोगों को यह सिखाया गया कि बाढ़ के समय किस तरीके से किसी भी हानि से बचा जा सकता है। आगरा के अतमादौला थाना क्षेत्र में राजस्थान पुलिस के चंगुल से कैदी फरार हो गया। आगरा फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित झरना नदी से कैदी भाग गया। राजस्थान पुलिस ने अतमादौला पुलिस को जानकारी दी। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी पहुंची। प्रियंका गांधी के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। गोरखपुर के पीपीगंज रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटे युवा का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू। अमरोहा के सदर कोतवाली इलाके में युवक की आत्महत्या के मामले में मृतक के ससुराल वालों के पक्षों ने परिवार वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम से युवक के शव को ले जाने को लेकर दोनों पक्षों में हुआ विवाद। बस्ती जिले में खाद चोर सरकारी अफसर पकड़े गए। जो खाद किसानों के सरकार ने अपने अफसरों को बांटने के लिए दिए थे, उसे बाजारों में बेचा जा रहा था। यह धंधा कई साल से चल रहा था, लेकिन आज इन खाद चोरों को प्रशासन ने पकड़ लिया। मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में डॉक्टर और कर्मचारियों ने चिकित्सीय कार्य का बहिष्कार कर दिया। डॉक्टर ने मृत महिला के पति सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गाजीपुर में 3 दिनों की बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं वंशी बाजार और रोजा समेत कई क्षेत्रों की कॉलोनियों में पानी भर गया। गांव में लोगों के घरों तक में पानी घुस गया, जिसके साथ फसलें भी तबाह हो गई। हरदोई के 4 गांवों में प्रशासन ने बाढ़ प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मेगा मॉक एक्सरसाइज का 3 कार्यक्रम का आयोजन किया। फरुखाबाद में बाढ़ के लिए प्रशासनिक तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। जिले के कई स्थानों पर मॉक ड्रिल के जरिए बाढ़ राहत कार्यों के लिए बनी रेस्क्यू टीमों ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया ने इस बाबत जानकारी दी। इसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हो चुके, फिलहाल जेल में बंद हैं। उनके साथ उनकी बेटी मरियम शरीफ को भी सजा हुई है। भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी लगातार पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। पाकिस्तान में सीनेट की एक समिति को बनाया गया, जो वीडियो भी डाल रहे, जिसे वो अपनी बहन अर्पिता शर्मा और अपने बेटे आहिल और उनके बेटे आहिल के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म द लायन किंग की हिंदी वर्जन आज सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इंडिया में रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इस फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम जुड़ा हुआ है। साथ ही पहली बार उनके बेटे आर्यन की आवाज भी इस फिल्म के जरिए सबके सामने होगी। संकट मोचन, हनुमान और ससुराल सिमरका जैसे प्रमुख टीवी सीरियल में काम कर चुके बाल कलाकार शिवलेख सिंह की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 14 वर्षीय शिवलेख सिंह की मौत हो गई। इस साल 15 अगस्त पर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल और जॉन अब्राहम की फिल्म बैटला हाउस और बाहुबली प्रभास की फिल्म साहू के टकराने की खबर सामने आई थी, लेकिन फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक ट्वीट के जरिए बताया प्रभास की फिल्म साहू 15 अगस्त को नहीं बल्कि 30 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बाहुबली फेम साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के भले लोग दीवाने हों, लेकिन खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की बड़ी कायल हैं। इस राज से पर्दा हाल में ही उठा जब तमन्ना एक डिजिटल शो वैनिटी डायरीज पर आई थी। सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान और कुणाल खेमू सोहा अली खान की बेटी इनाया खेमू बॉलीवुड के सबसे क्यूट बच्चों में से एक है। दोनों की हर फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही इंटरनेट पर वायरल होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। आईसीसी की सालाना बैठक में जिम्बाब्वे क्रिकेट पर सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने में जिम्बाब्वे नाकाम रहा। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन टल गया है। 3 अगस्त से शुरू हो रहे वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का चयन आज होना था। बताया जा रहा है भारतीय चयनकर्ता महेंद्र सिंह धोनी को लेकर असमंजस में है। कयास लगाए जा रहे धोनी के भविष्य पर चर्चा करने के बाद टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा। भारत के दौरे पर 3 T20 इंटरनेशनल, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी वेस्टइंडीज नहीं जाएंगे। जब टीम वेस्टइंडीज में खेल रही होगी तो धोनी सेना में ट्रेनिंग कर रहे होंगे। अगस्त माह में महेंद्र सिंह धोनी 2 हफ्ते की आर्मी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। धोनी भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। सेना में ट्रेनिंग का फैसला धोनी ने 2 माह पहले ही लिया था। आईसीसी ने भारत के दिग्गज स्टार सचिन तेंदुलकर को एक बड़ा सम्मान दिया। आईसीसी ने मास्टर ब्लास्टर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। लंदन में हुए समारोह में सचिन के साथ साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महिला तेज गेंदबाज कैथरीन समेत 3 लोगों को यह सम्मान दिया गया। भाटिया जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, क्यों, अब आया स्वाद? बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच, MDH, MDH। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है? अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। अगर आप थायराइड, डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, बदन दर्द, बीपी या मोटापे